कार को छोड़ देंगे ना तो भी आपको ये काम करेगा। किताब क्या है? किताब में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा होगा, आपने सुना ही होगा। प्रभु यीशु के बारे में सुना होगा आपने ना, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कौन थे, दुनिया में क्यों आए, कैसे आए। प्रभु यीशु मसीह कौन थे? परमेश्वर का, ईश्वर का बेटा थे। क्यों आए थे? पापों से, श्रापों से, बीमारियों से छुटाने के। समझ रहे हैं ना? हम आप ही को किताब नहीं दे रहे हैं, हम पूरे भारतवर्ष में बढ़ते, पूरे भारत में। समझ रहे हैं ना? तो जैसे आपके बकबक पढ़ रहे थे किताब, ठीक है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस किताब को पढ़िए, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं। अगर इसको धर्म अपना अपनाना जी, ये क्या विवेचन है, क्या विवेचन है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा? आपको कुछ नहीं करना है, किताब पढ़िए और प्रभु यीशु मसीह का नाम ले, कुछ आपको छोड़ना नहीं है। जिसे हम हिंदू धर्म, अब हम ईसा मसीह धर्म अपनाना चाहते हैं, उसके बारे में उसलिए आपको नंबर दिया, नंबर दिया है ना, अपने संपर्क में रहिए और इसको पढ़िए। कुछ आपको बॉन्डेज नहीं है, कुछ बंधन नहीं है, बस ये जान जाइए कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार सामर्थ है आपके जीवन में। जितने भी पाप श्राप के बंधन है ना, जो अब तक बने हुए हैं, जब तक फायदा हुए तब से, वो पाप और श्राप का बंधन जो है वो टूटेगा। सबसे पहले मैं खुद गवाही दे रहा हूँ, मैं पाप और श्राप में बहुत बीमारी से बहुत ग्रसित था। आज से 10 साल पहले टीबी बीमारी हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये बचेगा नहीं, तो मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और आज मैं जिंदा। डॉक्टर ने जवाब दिया मगर मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया, आज मैं जिंदा हूँ, हट्टा कट्टा हूँ और आप संपर्क में रहिए, किताब जरूर पढ़िएगा, अपने संपर्क और संपर्क में रहिए। अब हमें आपका नंबर दें, हाँ।